Good morning, students. Today in moral science we are going to read this chapter number 2, good behavior. Moral sapling. Good behavior makes you loved by all. अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो सभी आपसे प्यार ही करेंगे. Every child wants to love him or her. हर एक बच्चा चाहता है कि सभी उससे प्यार करें. This can happen only by good behavior. ये हो सकता है अगर आपका बिहेवियर अच्छा हो. This lesson tells you how to behave well. ये लेसन में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम अपने बिहेव को अच्छा बना सकते हैं. First of all, you should talk very politely. सबसे पहले आपको बहुत ही प्यार से politely बोलना चाहिए. Your soft voice would please everyone. जब आप प्यार से बोलोगे, soft voice में बोलोगे, तो सभी आपसे खुश रहेंगे. You should speak politely to your family members. आपको अपने family members से politely बात करनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, उनसे प्यार से बोलना चाहिए. और अपने friends के साथ, friends, teachers, servants and to unknown people also. और हमें इसमें क्या बताया कि हमें अपने family members, friends, हमारे दोस्त, हमारे teachers, हमारे servants और एंड टू अननोन पीपल, जिनको हम जानते भी नहीं हैं, हमें सभी से प्यार से नम्र होकर बोलना चाहिए. सेकेंडली, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. दूसरी बात ये है कि हमेशा हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए. ऑलवेज विश योर पेरेंट्स. हमेशा अपने पेरेंट्स को विश करना चाहिए और अपने नेबर्स को, टीचर्स एंड गेस्ट, और जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं हमें उनको विश करना चाहिए गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग. यू शुड विश योर एल्डरली सर्वेंट्स एंड दोज पीपल हु हेल्प यू इन योर डेली लाइफ ऑल्सो. यहाँ तक कि ये नहीं है कि अगर आपके घर में सर्वेंट है तो आप उनको विश नहीं करोगी. हमें अपने सर्वेंट्स को भी विश करना चाहिए क्योंकि वो हमसे बड़े हैं. एंड दोज पीपल हु हेल्प यू इन योर डेली लाइफ ऑल्सो. और वो आदमी जो कि हमारी डेली लाइफ में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हमें सभी को विश करना चाहिए. बी हेल्पफुल टू योर पेरेंट्स एट होम. हमें पेरेंट्स के घर में बहुत ही हेल्प करनी चाहिए. यू कैन हेल्प देम इन क्लीनिंग द हाउस. आप उनकी हेल्प कर सकते हो घर को साफ करने में. हेल्प योर यंगर ब्रदर और सिस्टर. आपको अपने छोटे भाई बहन की भी हेल्प करनी चाहिए. योर फ्रेंड्स एंड द नीडी एंड द पुअर पीपल. अपने फ्रेंड्स की और नीडी पीपल, जिनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, और पुअर पीपल और गरीब लोगों की हमें हमेशा हेल्प करनी चाहिए. यू शुड डू ऑल योर वर्क बाय योर सेल्फ. आपको अपना सारे का सारा काम खुद ही करना चाहिए. डू नॉट शाउट और क्वरल एट होम. हमें घर में जोर जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए और लड़ाई नहीं करनी चाहिए. इन द क्लासरूम और इन द प्ले ग्राउंड. हमें ये बातों का ख्याल क्लासरूम में और प्ले ग्राउंड में भी रखना चाहिए. डू नॉट टीयर और स्टील अदर्स बुक्स और नोटबुक्स. दूसरों की बुक्स को फाड़ना नहीं चाहिए, ना ही हमें दूसरों की चीज़ें लेनी चाहिए, चोरी करनी चाहिए. डू नॉट गिव ट्रबल टू अदर्स. हमें दूसरों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं देनी चाहिए. बी हेल्पफुल टू एवरी वन. हमें सभी की हेल्प करनी चाहिए. बी हम्बल टू दोज हु आर यंगर टू यू. जो आपसे छोटे हैं सभी के साथ हमें प्यार से बोलना चाहिए. वैन यू आर इन द क्लास रूम लिसन टू योर टीचर्स. जब आप अपने क्लास रूम में होते हो तो आपको अपने टीचर्स की हर एक बात को मानना चाहिए अटेंटिवली. और हमें क्लासरूम में पूरा एक्टिव होकर रहना चाहिए और हमें उनकी टीचर्स की हर एक बात को मानना चाहिए. डू नॉट टॉक व्हाइल योर टीचर इज एक्सप्लेनिंग अ लेसन. जब टीचर एक लेसन को एक्सप्लेन कर रहा है तब हमें उस वक्त नहीं बोलना चाहिए. डू नॉट थ्रो रबिश इन द क्लासरूम. और हमें क्लास में, जैसे आप पेंसिल शार्प करते हो, उसके जो वेस्ट होता है और जो पेपर होते हैं वो हमें क्लासरूम में नहीं फेंकने चाहिए. कहाँ फेंकने चाहिए हमें? वो डस्टबिन में फेंकने चाहिए. आस्क योर टीचर क्वेश्चंस ओनली व्हेन दे अलाउ फॉर इट. जब टीचर्स आपको लेसन एक्सप्लेन कर दे उसके बाद आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं.
और जब वो आपको अलाउ करे तब आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए। डू योर वर्क ऑन टाइम, अपना काम हमेशा हमें टाइमली करना चाहिए। बी पंक्चुअल इन स्कूल, हमें स्कूल में टाइम से पहुंचना चाहिए। फॉलो द अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी हमें सोना चाहिए और जल्दी ही उठना चाहिए, हमें इस रूल का पालन करना चाहिए। मेक इट अ हैबिट टू डू ऑल योर वर्क एट इट्स फिक्स टाइम, हमें अपना हर एक काम उसके फिक्स टाइम पे ही करना चाहिए। टाइम इज़ प्रेशियस, डोंट वेस्ट इट, टाइम बहुत ही कीमती होता है, हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट पुट अननेसेसरी डिमांड्स ऑन योर पेरेंट्स, हमें पेरेंट्स से बिना मतलब की डिमांड्स कि हमें, कई बच्चे होते हैं कि ये भी ले दो वो भी ले दो सब कुछ ले दो, इस तरह की अननेसेसरी डिमांड्स हमें नहीं करनी चाहिए। विच दे आर अनेबल टू फुल फिल, जो कि वह पूरी भी नहीं कर सकते। शेयर योर थिंग्स विद अदर्स, अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन, अपने आप को और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना चाहिए। फॉलो द एबव पॉइंट्स इन योर डेली रूटीन, ये सभी पॉइंट्स को अपने डेली की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कीजिए। यू विल बी लव बाय ऑल, आपको सभी प्यार करेंगे। एवरीबडी विल हेल्प यू, और सभी आपकी हेल्प भी करेंगे। यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ, और आपको आपकी लाइफ में सक्सेस ही मिलेगी इफ़ यू विल कीप ऑल दिस पॉइंट्स इन योर माइंड।